एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो जैसा कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, तो मैथ्स में हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था, और आपने थंबनेल से समझ लिया होगा कि आज हम लोग कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग आज आय और व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से पहले, इससे पहले अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज बढ़ते हैं आगे और इनकम और एक्सपेंडिचर की क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आई वो उस पे हम चलते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात यानी कि इनकम का रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये इनकम का रेशियो है, इनकम 5:3, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो है हमारे पास 9:5 का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास इनकम अगर 5 रुपए की है तो हम लोग एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा 9 रुपए का कैसे कर सकते हैं। पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए। तो अगर हम लोग इनकम, मैंने आपको बोला था कि जब रेशियो पढ़ाते टाइम पहला जो हम लोग का वीडियो था उसमें हम पढ़ा था 5 और 3 लिखा हुआ है। अगर उसको हम लोग इस तरह से लिख लें 10 और 6 लिख लें तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको इसी बेस पे चलना है कि अगर 10 से ये 9 हुआ है यानी कि हमारे पास अब सेविंग आएगी भाई, इनकम हुई 10 रुपए की, एक्सपेंड करने की खर्चा हम लोग ने कर दिया 9 रुपए का, तो इनकम सेविंग कितने की आएगी, 1 रुपीज, यहाँ से भी 1 रुपीज की आएगी। समझ गए आप सभी? तो ये बचाते हैं 1300 रुपए, 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 1300 रुपए के बराबर, ठीक है, और यहां से 1 की वैल्यू आ गई 900 रुपीज के अलावा, ठीक है। आय पूछी गई है तो इस 1300 को उठा के आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वैल्यू आ गई रुपीज 13,000, और ये 900 उठा के आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया रुपीज 54,100, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है। मेन मोटो मेरा ये चीज बताने का था कि अगर इनकम का रेशियो कम भी लिखा हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो ज्यादा लिखा हुआ है तो उसको आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। 5 और 3 लिखा हुआ था, हमको नहीं समझ में आ रहा था, अगर हमने उसको 10 और 6 लिख दिया तो भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रत्येक की आय बता दिया मैंने, ए की आय होगी 13,000 और बी की होगी 5,400 यानी कि 5,400। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को करिए लाइक साथ साथ। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए और बी की आय में 3:2 का अनुपात है, ए यहां लिखा, बी यहां लिखा, 3:2, ये हो गई इनकम। इनकम के बाद आता है क्या, खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इस बार बोला गया 2:1 का अनुपात है और सेविंग आएगी इसके बाद। ये सब आपको लिखना नहीं, मैं आपको सब समझाने के बता रहा हूं, आपको एक लाइन में आंसर करना, अभी जैसे कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सेविंग यहां से कितनी आई, 3 रुपए कमाता है, 2 रुपए खर्चा करता है, 1 रुपए बचाता है, 2 कमाता है, 1 खर्चा करता तो 1 रुपए बचाता है, 2 रुपए बचाता है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि वो अलग अलग 1300 और 900 अलग अलग बचाते हैं, इस बार बोला गया दोनों लोग सिर्फ 4,000 रुपए ही बचाते हैं, ये फर्क है। तो अगर यहाँ से 1 की वैल्यू बोल दिया गया 4,000 के इक्वल है, यहाँ पर 1 रुपए बचाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,000 बचाता है, तो बोला गया ए की आय कितनी है, तो आपके अकॉर्डिंग ए की आय कितनी थी, 3 रुपए, बस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आ गया 12,000 रुपए, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं शॉर्ट मेथड। जैसे शॉर्ट मेथड से हम लोग ऐसे समझते हैं कि बोला गया देखिए 3, 2, 2, 1 देखा तो 1 की वैल्यू 4,000, 4 को उठा के 3 में मल्टीप्लाई के 12,000, 1 सेकंड में आंसर आएगा। उसके बाद अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो 4,000 आ दिया, 4 × 8,000, ए कितना खर्चा करता है तो 4,000 × 8,000 यानी कि 8,000 खर्चा करता है, बी कितना खर्चा करता है 4,000 खर्चा करता है, 4,000 बचा लेता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए और बी प्रतिमाह 6,000 और 8,000 रुपए पाते हैं, यानी कि ये इनकम इनकी कितनी है 6,000 है, इनकी इनकम कितनी है 8,000 है।
और 70% और 80% खर्च कर देते हैं, ये इनकम हो गई यहां से। अब आपको एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, तो एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए थोड़ी सी आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। इससे पहले आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो अगर आपको आपने हमारे साथ वो पढ़ा हुआ है तो आपको ये करना इजी होगा कि जैसे 6000 का 70% निकालना है हमको, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं 6000 का 70%, ठीक है। तो ये 742 और ये हो गया 4200। इसी तरह से 8000 का 80%, 6400। तो ये 4200 बचाते हैं, मतलब खर्चा करते हैं सॉरी, और ये 6400 खर्चा करते हैं। पूछा गया सेविंग कितनी होगी, अब आप खुद बता सकते हैं कि 6000 रुपए कमाते हैं और 4200 रुपए खर्चा कर देते हैं, तो ये कितने बचाते हैं, 1800 रुपए बचाते हैं। 8000 कमाते हैं, 6400 खर्चा कर देते हैं, तो ये 1600 रुपए बचाते हैं। बोला गया दोनों की बचत में अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 1800 बटे 1600 कर दो, इन दोनों का रेशियो 1800 अपॉन में 1600, तो ये 2 0 कैंसिल, 2 से गया 9 बार, 2 से गया 8 बार, तो ये 9:8 होगा इनकी बचत में अनुपात, 9:8, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टार्ट करते हैं आगे। तो जैसे कि हमने उन क्वेश्चन पढ़े हैं, उस क्वेश्चन के बाद अब इस टाइप के भी थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बचा है रेशियो के क्वेश्चन में, रेशियो के चैप्टर में। तो चलिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हो कि 675 रुपए यानी 675 रुपीस को ए और बी दो लोगों में बांटना है 5 और 4 के अनुपात में, यानी कि 675 रुपीस यहां होंगे और ये बटेंगे 5 और 4 में, यानी कि ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 4 रुपए, ठीक है। तो अगर टोटल होते 9 रुपए तो ए में बटते 5 रुपए, बी में बटते 4 रुपए, यानी कि 9 रुपए को ए को मिलते 5, बी को मिले 4, लेकिन टोटल हमारे पास क्या 9 रुपए है, नहीं है, टोटल हमारे पास कितने हैं 675 रुपए हैं। तो इसी 9 को हम लोग बराबर करेंगे 675 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बस हमको ये फाइंड करना था। तो निकालिए आते 63 2 5, 1 यूनिट की वैल्यू 75 आ गई, यानी कि आपका 1 रुपया क्वेश्चन के 75 रुपए के बराबर है, ठीक है। अब बोला गया ए को कितने मिलेंगे, तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको ए की वैल्यू आ जाएगी 75 × 5, यानी कि हो गया 5 × 2 = 37, यानी कि 375 रुपए। इसी तरह से बी को कितने मिलेंगे, तो बी को मिलेंगे 4 × 75, यानी कि 300 रुपए। अब बताइए 375 रुपए और 300 रुपए, टोटल 675 रुपए हो गए, हो गए। बस इस तरह से ये पैसे बांटने का सिलसिला शुरू होता है, ठीक है। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं चौथे नंबर पे, क्योंकि इसी पे बिहाफ पे है, फिर आते हैं सेकंड और थर्ड पे। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, बोला गया है कोई धनराशि पी क्यू आर में बांटी गई 3, 5, 7 में। अब देख लीजिए पी क्यू आर 3, 5, 7 बांटी गई, यदि क्यू का भाग बोला गया है 1500 रुपए हो, तो P और R के में डिफरेंस बोला गया है। तो अगर P का यानी कि 5 रुपए तुम्हारे बोला गया है 1500 रुपए के बराबर हो, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से हो गई जाके 300 रुपए, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 1500 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई यहां से 300 रुपए, ठीक है। अब P और R के भागों में अंतर पूछा गया, तो पहले P का भाग निकाल लो यहां से 300 का गुणा 3 में करके 900 रुपए, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई 2100, तो 900 और 2100 में कितना अंतर है 12 का। या तो आप ऐसे सीधे सीधे देख सकते हैं कि 3 और 7 में कितना अंतर है, 3 और 7 में 4 का, तो बस 4 को सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 में, तो आंसर आ जाएगा आपका 1200 रुपए, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, इस तरह से आप पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2030 एबीसी में बांटे गए भाई, 2030 रुपए हैं ये ए बी और सी में बटे हैं, कितने कितने में बटे हैं, अच्छा अभी उन्होंने दिया, चलो अभी उस पर देखते हैं। बोला गया है कि सब में से अगर 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा दिए जाए तब उनमें 8:7:5 होता है। यहाँ गलती मत करिएगा कि यहाँ आप सीधे सीधे लिखते हैं 8:7:5, ऐसे नहीं करना है आपको। उसमें क्वेश्चन में खुद बोला गया है कि जब तीनों के अमाउंट में से जो उनको फिक्स अमाउंट मिलेगा भाई, यहाँ पर इनको मिलेगा कोई फिक्स अमाउंट,
यहाँ मिलेगा इनको, यहाँ इनको मिलेगा। जब इसमें से हम 15 रुपए घटा देंगे, इसमें 10 रुपए घटा देंगे, इसमें 5 रुपए घटा देंगे, तब उनके बीच का रेशियो जो होगा वो 8, 7 और 5 का होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम तीनों का टोटल घटा देते हैं, जैसे कि 15 और 10 25 और 5 30। ठीक है, इस 30 रुपए को हम 2000 से निकाल लेते हैं बाहर, तो अब हमारे पास जो नया अमाउंट बनेगा वो बनेगा 2000 रुपए का। ठीक है, अब ये ए बी और सी में बटेगा 8, 7 और 5 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा जो एक स्टेप हम लोग आगे आ गए हैं, अब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, बस इसमें एडिशनल यही चीज ऐड हुआ था। तो अब देख लीजिए आप, ये 20 रुपए होते तब 2000 के बराबर होता, 8, 7, 15, 5, 20, यानी कि 20 रुपए हमारे 2000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 100 रुपीज, 100 हो गई। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, चलिए उसमें देखते हैं। तो बांटेंगे उनके भागों में से कम से कम घटा दें तो 8, 5, 7, बस वही तीनों की वैल्यू पूछी गई है। तो इसकी 100 आ गई, तो यानी ए को मिलेंगे कितने, ए को मिले हमारे पास 800 रुपए, बी को मिले 700 रुपए और सी को मिले 500 रुपए। बट जो एक स्टेप आपने आगे किया था वो एक स्टेप आपको पीछे भी जाना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि 800, 700, 500 2000 की वैल्यू है, लेकिन आपके पास 2000 रुपए तो नहीं थे, आपके पास 2030 रुपए थे, तो जो जो घटाया था वो ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इसमें आप 15 ऐड करिए तो 815, और इसमें आप करेंगे 10 ऐड तो ये हो गया 710, और इसमें आप करेंगे 5 ऐड तो ये हो गया 505। अब ये इसका मेन आंसर हो गया, 815 रुपए ए को, बी के मिला 710 और सी को मिले 505, तो 8, 7, 15, 5, 20 और 15, 10, 25, 5, 30, तो ये अब 2030 रुपए यहां से पूरा बटे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस तरह से और देख लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन, इस वीडियो को करिए पॉज और पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, फिर हमारे साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी मैं तो आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। बोला गया है ए बी सी को 12 से 28 बांटे गए, थर्ड क्वेश्चन हमारा 12, 28 बांटे गए ए बी और सी में, लेकिन फिर वही चीज बोला गया 4, 8, 16 घटा देने पर उनमें 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है, तो 16, 8, 24, 4, 28 घटा देते हैं हम लोग, हमारे पास कितने रुपए बच गया, 1200 रुपए, और ये बटेंगे ए बी और सी में, किस रेशियो से, 1, 2 और 3 के रेशियो से। ओके, तो ये हमारे पास टोटल रुपए कितने हो गए, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 रुपए हो गए, 6 की वैल्यू हो गई 1200 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200 के बराबर। ठीक है, तो ए को मिलेंगे कितने, ए को मिलेंगे 200 रुपए, बी को मिलेंगे 400 रुपए और सी को मिलेंगे 4×12 अच्छा सी को ही खाली पूछा गया, बी को पूछने की जरूरत ही नहीं, चलो ये लेकिन फिर भी निकाल दिया समझ लीजिएगा। सी को मिलेंगे यहाँ से 3×600 रुपए, ठीक, सी का खाली पूछा गया था। अब 600 रुपए जो आया हमारा वो 1200 का आंसर है, लेकिन हमको ये 16 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हमने इसको 16 ऐड कर दिया तो आंसर हमारा हो गया 616 रुपए। बाकी ए और बी का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ सी का पूछा गया था। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो आज का वीडियो यही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगर हमारा कुछ क्वेश्चन करने होंगे तो हम लोग करेंगे इस चैप्टर पे, नहीं तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे। तो बाकी पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ये बने रहिएगा हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।